दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहतरीन एक्सेल सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं बुक कीपिंग के बारे में, जहां आप अपने डेली का ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस सब कुछ रख सकते हैं और आपको ये वीकली, मंथली, ईयरली क्या आपके प्रॉफिट आ रहे हैं, क्या आपके एक्सपेंस हुए, आप इजीली एनालाइज कर पाएंगे सारा कुछ। जो सा भी आप बिजनेस रन करते हैं, आप इजीली इस टेम्पलेट को यूज़ करके आप अपने काम को और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। आपको ये टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो टेम्पलेट डिज़ाइन किया गया है, ये है रेस्टोरेंट बिजनेस के बेस पे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे, ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ करा के अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं, जहां हम आपसे कुछ चार्जेस करेंगे और लाइफ टाइम सर्विस फ्री आपको देने वाले हैं। कोई भी सर, आप कोई भी प्रॉब्लम, इशू कुछ भी आएगा तो कोई भी चार्जेस नहीं होने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। यहां आपका स्टार्ट डेट है, यहां आपकी सेल्स की एंट्री होगी, जो डेली सेल्स, एक्सपेंसेस, जो भी सारी चीज़ें हैं यहां पे एंट्री करनी है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा जो वीक स्टार्ट डेट होता है 1 मई से, तो यहां आपको अपना स्टार्ट डेट लिखना है, यानी फाइनेंशियल ईयर का, यानी फाइनेंशियल ईयर का आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट यहां पे अपना डाल देना है। वैसे बेसिकली 1 मार्च से हमारा, 1 अप्रैल और 31 मार्च तक होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस मान लीजिए मई से स्टार्ट है तो आप यहां मई से डाल के एंड डेट आप डाल देंगे, जो आपका होता है 1 साल के अंदर में। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं अब ये वीक 1 वीक 2 उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ सारे फॉर्मुलेशन हमारा अप्लाई किया गया है। तो जैसे 1-5, तो देखो वीक 1 कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट डेट 1 मई से किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल आपको शो कर रहा, 13/5/2024, तो ये देखोगे वीक 2 आ गया, तो ये ऑटोमेटिक ये सारा कुछ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने ये डेट क्रॉस की, जो एंड डेट है आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 मई 2025, तो ये देखोगे रेड हो जाएगा, यानी आपने गलत एंट्री की, जो आपका फाइनेंशियल ईयर था उसके आप ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो ये आपको तुरंत बता देने वाला। उसके बाद यहाँ आप डेट डालेंगे, नेट सेल आपका क्या सेल हुआ इस 1 तारीख को, GST परसेंट जो भी आप परसेंटेज दिया आपने दिया वो कितना दिया, डेबिट क्रेडिट दैट मीन्स आपके अकाउंट में डेबिट कितना, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से टोटल कितना अमाउंट आया वो आप डालेंगे, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में कितना डिपॉजिट, टिप कितना आया, तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में टिप दिया जाता है, कैटरिंग का क्या आया यहाँ आप डालेंगे, राइट। उसके बाद ये कार्ड है, इनका कार्ड का है, रिडीम कितना हुआ, रिलोड कितना हुआ, बैंक डिपॉजिट क्या था, कार्ड फीस क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट के बिजनेस पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सपेंसेस में आपका रॉयल्टी क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट, लोकल एडवर्टाइजमेंट, शॉप सप्लाई, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, लेबर, डिविडेंड और गार्डन फूड सर्विस, रेंट, लोन, जो भी है आप सारा कुछ, फ़ोन, वाटर बिल, यूटिलिटी, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, बिजनेस मास्टर कार्ड, इंश्योरेंस, सब कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है, राइट। ये सारी एंट्री आपने कर ली। अब आप जब वीकली रिपोर्ट आएंगे तो यहाँ पे आप देखो क्या आ रहा है, वीक 1, सिर्फ वीक 1 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए मैंने 13/5/2024 और एक एग्जांपल 17/5/2024, सॉरी गलत डेट डाला, तुरंत वो देखो वैलिडेट कर दिया, राइट। सही डेट भी ये लेगा, तुरंत गलत डेट होगी आपको बता देगा। तो देखिए वीक 3, तो अभी आप देखोगे वीक में यहाँ पे देखो तीनों वीक आ जाएंगे, राइट। तो वीक 1 सेलेक्ट करेंगे तो वीक 1 का सारा रिपोर्ट देखो, कितना नेट सेल और एक्सपेंसेस, यहाँ पे 36,000 नेट सेल हुआ था और 11,022 नेट एक्सपेंसेस हुआ हमारा, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ ये निकल के आ गया, एग्जाम्पल है ये, रॉयल्टी कितना दिया, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया, लोकल एडवर्टाइजमेंट क्या दिया, सब कुछ यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपको देखो एक टोटल एक्सपेंस, यानी आपका एक्सपेंसेस आपका कम है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, एक ग्राफ भी यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। उसी अकॉर्डिंग ईयरली पेड अमाउंट में आपको टिप कितना मिला, GST आपने कितना दिया, डेबिट क्रेडिट आपके अकाउंट में कितना है, बैंक में डिपॉजिट क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं अगर आपको जैसा भी कस्टमाइजेशन चाहिए। उसके बाद मंथली में आएंगे तो मई में आप मंथ में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ मई 2024 आ रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी मई का ही डेट का एंट्री है। मान लीजिए हम करता हूँ 12 जून 2024, तो ये आ गया वीक 7 हुआ, और मंथ में आप देखेंगे तो यहाँ जून का भी डेट आ गया, राइट। क्योंकि ये मंथ वाइज है, तो मंथ जैसे ही मंथ सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ भी ऐसे ही दिखने वाला है आपको, राइट। उसके बाद ईयरली रिपोर्ट में हम आते हैं, तो ईयरली में आप देखोगे यहाँ पे आपका आ रहा है नेट सेल टोटल अब तक, यानी YTD से आप बोल सकते हैं कितना सेल हुआ, एक्सपेंसेस टोटल कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सपेंस का परसेंटेज क्या था, प्रॉफिट का क्या परसेंटेज था, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और यही जब नीचे स्क्रॉल, तो बाइफर्केशन है, यानी किस किस मतलब जो आप
आपका आइटम थे, मतलब एक्सपेंसेस के डिस्क्रिप्शन थे, उसके अकॉर्डिंग कितना आपका, कितना परसेंट हमारा जो टोटल इनकम हुआ उसके बेस पे कितना हमारा 31% हमारा नेट सेल हुआ था। इस नेट सेल में इनका एक्सपेंसेस का जो परसेंट है 31% है, तो यहाँ पे दिख रहा है नेट सेल में 31%। प्रॉफिट जो हुआ है इतना है 69% प्रॉफिट। तो ये ग्राफ भी आपको दिख रहा है ये जो डिस्क्रिप्शन वाइज किसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ, तो जिस इसमें है और इसमें है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंस वाले हमारे ग्राफ है। यहाँ पे आपको इधर इस साइड आप आएंगे तो यहाँ आपको ये भी दिखेगा ये जो कलर है किसका है, यानी शॉप सप्लाई में सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद एम्प्लॉय इंश्योरेंस में ये हुआ है, ये सारा कुछ आपको दिखने वाला है यहाँ पर, राइट। फिर नीचे आएंगे तो ईयरली का है आपका, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अभी मतलब टोटल क्या प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंस 31% हुआ, YTD यानी अब तक 69% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप ये डेटा जस्ट डमी डेटा डाला गया है, वैसे 69% प्रॉफिट नहीं होगा, 7-8 या 10% तक जाएगा। तो इस हिसाब से सारे डिज़ाइन किए गए, अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं आपका बिजनेस दूसरा है तो आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके दिया जाएगा। तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हमारी ऐप की रेटिंग देखेंगे तो 5 out of 5 ऐप की रेटिंग है। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे मोर देन 3 लैक कम्युनिटी है हमारे पास, जहाँ लोगों की बाई फेस फीडबैक है, राइट। यहाँ आपको प्रॉपर सपोर्ट के साथ प्रॉपर जेन्युइन वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।